पीलीभीत की बीसलपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक रामशरण वर्मा को तेज बुखार आने पर प्राइवेट पैथोलॉजी लैब पर कराई गई खून की जांच में डेंगू की पुष्टि हुई, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में विधायक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। जिला अस्पताल में कराई गई जांच में डेंगू की पुष्टि नहीं हो पाई। फिलहाल विधायक रामशरण वर्मा का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि कल रामशरण वर्मा को ठंड के साथ तेज बुखार आया था, जिसके बाद परिजनों ने जाह्नवी पैथोलॉजी लैब में जांच करवाई, जिसमें डेंगू पॉजिटिव दर्शाया गया। लेकिन जब जिला अस्पताल में खून का नमूना लेकर जांच की गई तो डेंगू नेगेटिव आया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि विधायक को नॉर्मल बुखार है, क्योंकि जांच रिपोर्ट नॉर्मल आई है। फिलहाल भर्ती कर इलाज चल रहा है, ऐसे में प्राइवेट पैथोलॉजी लैब पर सवाल निशान लग गया है। विधायक जी यहाँ शाम को आए थे, उनको जाड़े देके बुखार आ रहा था कल रात से, इसलिए वो यहाँ पर आए और उनका लिए यहाँ पर उचित इलाज दिया जा रहा है। उनको आगे जांच कराई गई डेंगू की, जो कि निगेटिव आई, बट पहले सस्पेक्ट किया जा रहा था डेंगू है। आज अभी हमने जांच कराई यहाँ पर तो डेंगू नहीं आया, बाकी वो स्वस्थ है, आगे इलाज जारी है उनका। ठीक है।